हेलो बच्चों नमस्कार, मैं आपका धर्म सर आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती यूनिक क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हैं जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन है और इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सारे कर दिए हैं। तो आप सभी लोग उस पुराने वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप करके मत देखें और इस वीडियो में भी आप शुरू से अंत तक बने रहें जिससे आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाए, कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, पर मेरे को भी याद करें और क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों यहाँ दिया है कि ABC और DBC दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं जिसमें एक ही आधार BC है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DBC समद्विबाहु त्रिभुज हैं। समद्विबाहु का मतलब हो गया कि दोनों इसकी भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा, तथा दोनों का आधार क्या है, BC है। मतलब एक ही आधार पर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं। इसी आधार पर ये भी बना है, इसी आधार पर ये बना है। और सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर कोण ACD, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब आते हैं देखिए। तो हल त्रिभुज ABC में अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो दो भुजाएं बराबर होगी, तो AB बराबर AC, ये पहले से क्या है दिया है, AB बराबर AC और DB बराबर DC, ठीक है दिया है। तो बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं, अतः यहाँ नंबरिंग कर दो, कोण 1, 2, 3 या इसे 2 कर दो, ये हो गया 4। ठीक है, ए बी बराबर ए सी, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 के, क्यों, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक, ये हो गया नंबर 1। अब त्रिभुज डीबीसी में तो डीबी बराबर डीसी, ये भी पहले से दिया है, डीबी बराबर डीसी, ठीक है, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 के, 3 बराबर 4 के, ये नंबर 2 हो गया। इसका रीजन यही है, ये वाला दोनों का रीजन एक ही है, बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो कोण 1 जमा कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 2 जमा कोण 4 के। देखिए कोण 1 बराबर है 2 के, 3 बराबर है 4 के, 1 जमा 3 बराबर हो गया 2 जमा 4 के। अब 1 और 3 को मिलाएंगे अथवा कोण ABC प्लस कोण DBC, 3 है DBC 1 है ABC, बराबर हो गया कोण ACB प्लस कोण DCB, ये और ये हो गया। और इनको जब जोड़ेंगे, इनको इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा कोण ABD बराबर हो गया कोण ACD, यही आपको सिद्ध करना था बच्चों।
और ये सिद्ध हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था आपका पांचवा। तो बहुत आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर छठे को देखिए। यहाँ पर है कि एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें ए बी बराबर ए सी, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, साथ में एवं भुजा ए बी को डी तक बढ़ाया गया है। जिसमें AD बराबर AC के ठीक है। इसमें त्रिभुज ABC AB AC के बराबर है और AB को इतना बढ़ा गया D तक कि जितनी AC है AC बराबर AD के, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि BCD ये वाला कोण 90 का, ये दिखाना है। सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 डिग्री, यही आपको सिद्ध करना। समकोण है, समकोण का मतलब 90 डिग्री, ठीक है। हल में आइए, देखें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी दिया है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं। एक हो गया, दो ये हो गया, तीन, और इसको कर देते हैं चार। अतः कोण एक बराबर कोण दो के, क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ये हो गया नंबर एक। इसी प्रकार हम दूसरे त्रिभुज लेते हैं, बीसी को मिलाया, इसको मिला दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए टीसी में एडीसी में एसी बराबर एडी दिया है, तो जब यह भुजा इसके बराबर है तो कोण बराबर हो जाएगा। अतः कोण तीन बराबर कोण चार के, क्यों? बराबर भुजाओं की यही चीज, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये हो गए नंबर दो। देखिए ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब ये पूरे त्रिभुज में लेते हैं। अब त्रिभुज बी सी डी में कोण बी प्लस कोण बी सी डी प्लस कोण डी, ये कोण प्लस ये पूरा कोण प्लस ये कोण बराबर, क्यों? 180 अंश, तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों, ठीक है, योग है, तीनों कोणों का योग। अब भी यह है कोण नंबर एक प्लस ये हो गया, दो और तीन को मिला के बनेगा प्लस कोण चार बराबर 180 हो गया। देखे एक दो के बराबर है तो, परंतु कोण एक बराबर कोण दो, कोण तीन बराबर कोण चार, तो हम चार को तीन में बदल देते हैं और एक को दो में। इस प्रकार कोण
2 + 2 + 3 + 3 बराबर 180 हो गया। एक जो है 2 में बदल गया और 4 3 में बदल गया, तो 2 + 2 + 2 + 3 बराबर हो गया 180 के। 2 कॉमन ले लो, 2 + 3 बराबर 180 हो गया। अब 2 उधर ले जाओ तो 2 + 3 बराबर 180/2 और ये बराबर हो गया 90। और 2 3 को हम क्या मिला सकते हैं, तो ये 2 और 3 मिलेगा या कोण बी सी डी बराबर 90 डिग्री, यही प्रूव करना था। ओके बच्चों, तो आपने बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें। इसके अगले दोनों क्वेश्चन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग उस क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझना। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए हो, तो क्वेश्चनों को रिवाइज ज़्यादा करें, बार बार प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, लाइक कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें और साथ में सभी पिछले वाली वीडियो को भी रिवाइज करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।